गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू एक कनौजिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं बैठी हूँ इस वक्त बालकनी में और लगभग अभी 8 बजने वाले हैं और बालकनी में आपको एक नए शख्स मिलाऊंगी जो मेरे घर आया हुआ है और मैंने बुलाया हुआ है, न्यू मेहमान, हमारे घर के नए मेहमान आए हुए हैं। बताओ मिठू है, बताओ कहाँ है मिठू मारा, कहाँ है मिठू मारा? ये रहा है ना, बड़ा सा नहीं है, हमारी चिड़िया से छोटी होती है। हाँ ये बड़ा है और हमारी चिड़िया से छोटी होती है, तो इनको अक्सर मैं शाम के टाइम ना रख देती हूँ यहाँ बालकनी में, यहाँ पे पिंजरा रखती हूँ जो मेरी आपने साथ पहले ब्लॉग में देख रखी है चिड़िया। और मिठू को जो है मैंने बाहर रखा रहने दी क्योंकि उनके दो पिंजड़े हैं, इस वजह से डबल ऊपर नीचे रखना पड़ता है। मैंने मटर दिया था उसको खाने के लिए, तो मटर उसने खा लिया और अब डांस करने में लगा हुआ है। और अभी मैंने सुबह सुबह इसको नहला दिया है, इसको नहला दिया डिटॉल के पानी से क्योंकि खुजली बहुत कर रहा था, तो मैंने बोला इसको खुजली हो रही है तो इसको नहला देते हैं ना। हर्षू हर्षू लगा हुआ खेलने में इसके साथ। हर्षू हर्षू कौन है ये? मिठू देखो डांस करने में लगा पड़ा, नाश्ता भी हो चुका है इसका, सुबह ही उठे रहते जैसे ही हम कार्तिक आवाज मार रहे थे कि हर्षु उठो कार्तिक उठो कार्तिक स्कूल जाने के लिए, उससे पहले कि ये आवाज लगा रहा था। अभी डांस करने में लगा पड़ा है, खाना पीना खा लिया है इसने, सुबह का नाश्ता घर अच्छे से कर लिया है और इसको बस सिर्फ 3 टाइम चाहिए उसके अलावा नहीं, और वो भी अपने मन मर्जी का खाना खाता है, जो इसे पसंद होगा वही खाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाएगा। जो आप सोचो इसको कुछ भी दे दो, दाल चावल वगैरह ऐसा नहीं है। इसको ज़्यादातर क्या पसंद है अशोक, सुबह के नाश्ते में इसको क्या पसंद है हमारे नए मेहमान को? बिस्कुट और आटा। हाँ बिस्कुट और आटा पसंद है इसको। मटर तो बाबू खा ही लेता है लेकिन इसको सुबह के नाश्ते में ना सबसे ज़्यादा पसंद है आटा और बिस्किट। कल से लेकर कल नहीं परसों रात में मंगाया था मैंने इसको, परसों रात में मंगाया था तो ना सुबह मैं उठी ना तो मैंने इसको मट्टी दी, मट्टी तो इसने खाई नहीं, इसने फेंक दी। फिर मैंने बोला कि कार्तिक क्या खाता है सुबह के नाश्ते में, वो मम्मी से पूछा मैंने कि क्या खाता है, तो मम्मी ने बोला कि आटा या पार्ले जी बिस्किट, स्नैक इसे बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे नए मेहमान को, है ना अशु? ये देखिए अशु लगा हुआ इसके साथ में खेलना, सुबह इसे आवाज़ मारना चालू कर दी इसने सुबह से। एक बार कैमरा देख करके दिखाती हूँ आपको, कर्तव्य करता है कर्तव्य। इसको नहीं रखा, खा नीम के पेड़ में टांग दिया तो मैंने इसको, फिर इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा इसको यहीं पे टांग दिया, हमारा न्यू मेहमान है रख दो। कर्तव कर रहा है अर्शु उसके साथ में हिला रहा है, और अभी फिलहाल देख सकते हैं इसके इसमें कुछ भी नहीं है, खाली इसने मटर खाया तो मटर में डाल रखा है। पोटी हाँ पोटी कर ली है उसने, खाली नमकीन और चाय पिए। और अभी हर्षू के लिए मुझे पराठा बनाना है और हर्षू के लिए वहाँ स्कूल के लिए भी लेके जाना है ना हर्षू, क्योंकि वहाँ लेके नहीं जाऊंगी तो ये मुझे जीना मुश्किल कर देगा, पार्क में बैठने नहीं देता एक दिन। मैंने गुस्सा हो गया कितना गुस्सा हो गया, तो चलते फटाफट हर्षू का नाश्ता बना लेते हैं। तब तक आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करो। तो चलते फटाफट अपना काम कर लेते हैं, नाश्ता वास्ता बनाने के बाद में रेडी होकर फ्री होकर मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और लगभग 6:30-7 बजने वाले हैं और मैं बैठी हूँ अभी मुँह हाथ धो के बालकनी में अपनी, और हर्षू कार्तिक गए हुए नीचे साइकिल चलाने के लिए, और मेरे बालकनी में देख सकते हैं मैं चिड़िया भी रख दी है अपनी, ये देख सकते हैं नीचे एक पिंजरा नीचे है ये रहा और ये दो पैर ऊपर है, तो इनको भी गर्मी लगती है जीने में रखे रहती है, इस वजह से मैंने इनको बहुत ज़्यादा पंख फुला रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस वजह से ना मैंने इनको यहाँ बालकनी में रख दिया और कल सुबह तक की रखी रहेंगी, फिर कल सुबह से
8 बजे 8:30 बजे मैं इनको उठा लूँगी और उसके बाद मैं रख लूँगी वापस जीने में। और ये हमारी मिट्टी है, मिट्टू। तो मिट्टू मियाँ को भी हमने यहीं रख रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं। अब चलते हैं, मुँह धो के आ चुके हूँ, तो अब चलते हैं पूजा वूजा कर लेते हैं। चलते कंगी वंगी मैंने कर ली है, पूजा वूजा कर लेते हैं, उसके बाद में एक कप बनाएंगे चाय और गर्म गर्म चाय पीने के बाद में देखते हैं आज क्या बनाते हैं। रोज तो समझ में ही नहीं आता, सोच रही थी कढ़ी बनाऊँगी पर कढ़ी के लिए लस्सी वाला लस्सी बेचने आ ही नहीं रहे आजकल अंकल, पता नहीं क्या हो गया। तो आज पूरा दिन मेरा कैसा बीता, बहुत ही अच्छा बीता, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब मैं यहाँ से पार्क गई थी तो पार्क में बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा था, इतने पेड़ लगे हुए उसके नीचे भी शांति नहीं थी बिल्कुल, इतनी ज़्यादा धूप भी चली गई थी तब भी कोई शांति नहीं, इतनी गमस, इतनी गर्मी, इतनी गमस। और उसके बाद में फिर 15 मिनट बाकी था तो पार्क में जब मैं बैठी थी तो एक लेडीज आई, वो भंडारा लेके आई, तो मैंने देखा, मैंने बोला कहाँ मिल रहा है, तो कह रही उधर। मैं 15 मिनट मतलब 12:45 हो रहा था, फिर भागते हुए भी फटाफट में अच्छू को लेके मैंने भंडारा खाया जाके वहाँ पे। और भंडारा खाने के बाद में फिर कार्तिक को स्कूल से लिया जाके, 1:05 हो रहा होगा, और कार्तिक को लेने के बाद में सीधा मैं वहीं पहुँची जहाँ से भंडारा लिया था। मैंने बोला कार्तिक को भी खिला दूँ, फिर कार्तिक ने भी भंडारा खाया, जब तक कि हालाँकि पूरी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो ना फिर ब्रेड बांट रहे थे, ब्रेड आलू की सब्जी भंडारे में, तो वो कार्तिक ने खा लिया। उसके बाद हम आ गए बस स्टॉप पे, वहाँ पे कम से कम आधा घंटा वेट करते रहे बस नहीं आई। तो आज भी मैं 3 बजे पहुँची आके, और जब 3 बजे मैं घर पहुँची आके, उसके बाद में फिर वही रोज की तरह खाना पीना खाया, आराम किया और सो गई, बच्चे चले गए ट्यूशन। और अभी मैं काम अप करके बिल्कुल शाम का फ्री हुई हूँ, पोछा ओछा लगाया, किसी को ही पोछा ओछा करना, शाम का पोछा ओछा लगाने के बाद में बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। जब पूजा कर लेते हैं एक तरफ चाय चढ़ा देंगे, और जैसे चाय बनके हमारी रेडी होएगी तब तक हमारी पूजा ख़त्म हो जाएगी, फिर हम चाय पियेंगे बैठ के बात करने में, तब तक शाम का खाना बनाने की तैयारी हो जाएगी। तो देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं, सोच रही हूँ सिंपल सी खिचड़ी बना लेती हूँ, मटर रखे हैं तो तहरी डालते हैं मसाले वाली खिचड़ी, तो मटर की खिचड़ी बनाएंगे। तो चलते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सपोर्ट शेयर जरूर कीजिए। तो उम्मीद करती है आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इस ब्लॉग को अपनी एंड करते हैं, मिलेंगे कल के न्यू ब्लॉग में, कुछ अच्छा और कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।